बंटी बेटा, बंटी बंटी, थोड़ा मोबाइल ले आना अपना। जी पापा, मोबाइल लेके क्या कीजिएगा? अरे जी, गूगल नहीं होता है तुम्हारे मोबाइल में? उसी में सठ वर्षा के लिए हमको सर्च करना था कि मेरा सठ वर्षा कहाँ है अभी। Naughty America. यही देखता है रे, हमको तो तुम पे बहुत पहले से शौक था, वही तो बोलते थे साला कौन शैम्पू बर्बाद करता है बाथरूम के दीवार पे रोज, हम तो तुम ही को खोज रहे थे। रुक बेटी, बताते हैं तुमको। इस समय आप सतर्क रहें और सावधान रहें और कोई भी गलत कदम आप ना उठाएं, नहीं तो आपका बाप आपका गांड तोड़ सकता है। तो चलिए देखते हैं इस गांड तोड़ प्रॉब्लम का सोल्यूशन आखिर क्या है। डोंट वरी दोस्तों, डोंट वरी, मैं हूँ ना आपका, मैं नहीं टूटने दूंगा, इसकी गारंटी मैं लेता हूँ। बिकॉज दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं बताऊंगा कि किस तरह से आप अपने गूगल हिस्ट्री, क्रोम हिस्ट्री, जो भी आपने गूगल पे क्रोम पे सर्च किया उसे किस तरह से आप रिमूव कर सकते हो, किस तरह से आप इजिली उसे डिलीट कर सकते हो। चाहे बात करें आपने सर्च में कुछ किया है, चाहे फिर आपने कोई सा भी वेबसाइट वगैरह विजिट किया है, वीडियोज़ वगैरह देखा है, जो भी आपने अभी तक अपने जीमेल पे, अपने गूगल पे किया है उसे टोटली से मैं आपको डिलीट करने सिखा दूंगा। तो वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा यूजफुल होने वाली है, बस वीडियो को आप मिस मत करना। तो चले करते हैं वीडियो को फटाक स्टार्ट विदाउट वेस्टिंग ए सेकंड। सिंपली से दोस्तों, आप आ चुके हो मेरे फ़ोन के होम स्क्रीन में। चलिए हम नेक्स्ट देखते हैं किस तरह से हम अपने जो भी गूगल का, क्रोम का जो भी हिस्ट्री वगैरह है उसे हम परमानेंटली अच्छी तरह से किस तरह से डिलीट कर सकते हैं। उसके लिए सबसे पहले आप अपने गूगल को ओपन कर लो। गूगल ओपन करने के बाद यहाँ पे आपको दो तीन जगह डिलीट करना पड़ेगा, तभी जाके अच्छी तरह से जो आपका हिस्ट्री है वो डिलीट हो पाएगी। तो फर्स्ट थिंग होती है वो सर्च हिस्ट्री, जो भी आपने यहाँ पे सर्च किया है रिसेंटली, जो भी लिख के आपने सर्च किया है वो हो गया। तो सबसे पहले हम इसे डिलीट कर ले। इसे डिलीट करने के लिए आपको करना क्या होगा, नीचे के साइड में आपको राइट साइड के नीचे में थ्री डॉट्स बटन दिख रहे हैं, तो सिंपली से आप इस पर क्लिक कर दो। क्लिक करने के बाद नेक्स्ट आपको करना क्या होगा, यहाँ पे आपको फर्स्ट वाला ऑप्शन दिख रहा है सर्च हिस्ट्री, तो सिंपली से आपको इस पर क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद नेक्स्ट आपको दोस्तों करना क्या है, यहाँ पे आप थोड़ा स्क्रॉल करोगे तो यहाँ पे देख सकते हो जो भी आपने सर्च किया, जो भी लिख के सर्च किया है वहाँ सर्च बार में, वो सारा यहाँ पे आपका हिस्ट्री निकल के आ चुका है। तो इसे अगर आप डिलीट करना चाहते हो तो सिंपली से यहाँ आपको दिख रहा है डिलीट का बटन, तो सिंपली से आप इस पर क्लिक कर देना। क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपको बहुत सारे ऑप्शन मिलते हैं, अगर आप लास्ट एक दिन का डिलीट करना चाहते हो, मतलब पिछले एक दिन आप जो भी सर्च किए उसे डिलीट करना चाहते हो, या फिर आप कुछ कस्टमाइज रेंज रखना चाहते हो अपना, अपने अकॉर्डिंग कि आपको दो दिन का डिलीट करना है, पिछला पाँच दिन का करना है, तो उसके लिए आपको सेकंड वाला बटन डिलना हो, एंड या फिर आप अपना पूरा हिस्ट्री डिलीट करना चाहते हो तो सिंपली से यहाँ पे डिलीट ऑल का बटन दिख रहा होगा, तो सिंपली से आप इस पर क्लिक करोगे। इस पर क्लिक करने के बाद यहाँ पूछेगा आप क्या क्या चीज़ डिलीट करना चाहते हो, इमेज सर्च, सर्च वीडियो, जो भी आप करना चाहते हो, जो भी आपने किया, सिंपली से आप तीनों पे सेलेक्ट ऑल करके यहाँ पे आप नेक्स्ट कर दोगे। नेक्स्ट करने यहाँ पे आपसे कंफर्मेशन लेगी, तो सिंपली से यहाँ पे आप डिलीट का आपको बटन दिख रहा है, तो सिंपली से आप इस पर क्लिक कर दोगे। इस पर क्लिक करते यहाँ पे आपने जो भी सर्च किया है वहाँ पे लिख के वो सारा आपका डिलीट हो चुका है। चलिए ये हो गया, एंड नेक्स्ट आपको ओके यहाँ पे क्लिक करना है। ओके करने के बाद ये तो हो गया, अब नेक्स्ट जो भी हमने वेबसाइट वगैरह विजिट किया, जो भी वीडियोस वगैरह देखा है उसे हम किस तरह से डिलीट कर सकते हैं, उसके लिए फिर सेम आपको प्रोसेस करना क्या होगा, नीचे में आपको दोस्तों थ्री बटन दिख रहा है, सिंपली से आप इस पर क्लिक कर दो। इस पर क्लिक करने के बाद आपको करना क्या है, यहाँ पे सेकंड वाला बटन दिख रहा है वो रिसेंट्स, तो सिंपली से आप रिसेंट पे यहाँ पे क्लिक कर दोगे। रिसेंट करने के बाद यहाँ पे जो जो भी आपने टैब वगैरह खुला हुआ तो इसे भी आप सबसे पहले आप डिलीट कर दो। इसको डिलीट करने के लिए सिंपली से आपको करना क्या होगा, सिंपली से सबको ऊपर साइड यहाँ पे इस तरह से कुछ इस तरह से यहाँ से आपको स्वाइप कर लेना, जिस तरह से आप अपने रिसेंट टैब वगैरह को हटाते हो तो उसी तरह से आप यहाँ पे स्वाइप करके इसे हटा सकते हो। इसे अपने अकॉर्डिंग आप जितना चाहते हो यहाँ पे आप टोटली हटा सकते हो। उसके बाद चलो ये तो हो गया, एक और स्टेप आता है आपको जो इंपॉर्टेंट करना, जिसे आपको डिलीट करना बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। उसके लिए आपको करना क्या होगा, ऊपर आपको थ्री बटन दिख रहे हैं राइट के टॉप साइड में, तो सिंपली से आप इस पर क्लिक कर दो। इस पर क्लिक करने का यहाँ पे थर्ड ऑप्शन दिख रहा है माई एक्टिविटी, तो सिंपली से आप इस पर क्लिक कर देना होगा। तो क्लिक करने के बाद आपको फिर से करना क्या है, यहाँ पे थोड़ा स्क्रॉल आपको जाना है, स्क्रॉल करके नीचे जाना, एंड नेक्स्ट आपको करना क्या है, जो भी यहाँ पे आप देख सकते बहुत सारे आपके हिस्ट्री यहाँ पर भी है, तो इसे डिलीट करने के लिए यहाँ पे सेम आपको डिलीट का बटन दिख रहा है, सिंपली से यहाँ पे आप क्लिक करोगे। और सेम यहाँ पे अगर आप अपने लास्ट एक आवर का करना चाहते हो, या लास्ट वन डे का, या फिर ऑलवेज, या फिर अपना कुछ रेंज रखना चाहते हो तो उसके अकॉर्डिंग आप कर सकते हो। मैं सिंपली से यहाँ पे लास्ट आवर का कर रहा हूँ, तो सिंपली से लास्ट आवर जैसे मैंने क्लिक किया तो नीचे देख सकते हो वन आवर डिलीटेड, मेरा एक पिछला जो एक घंटा का जो भी हिस्ट्री था, जो भी मैंने सर्च
सर्च किया था वो सारा डिलीट हो चुका है। चलिए ये तो हो गया मेरा गूगल, अब नेक्स्ट चलिए देखते हैं ये टोटली से गूगल में आपने जो जो सर्च किया था वो सब रिमूव हो चुका है। तो अब नेक्स्ट आपको क्या करना है, बैक जाना है सिंपली से एंड आपको नेक्स्ट क्रोम ब्राउज़र आपको खोलना है, बिकॉज आप क्रोम ब्राउज़र पे भी अब कॉस्टली बात है आप सर्च करते हुए। तो यहाँ पे आप देख सकते हो यहाँ पे आपको डिलीट करने के लिए करना क्या होगा, यहाँ पे राइट के टॉप साइड में आपको एक रेड कलर का बटन दिख रहा है तो सिंपली से आप इस पर क्लिक करो। इस पर क्लिक करने के बाद यहाँ पे थर्ड वाला बटन हिस्ट्री आपको देखने को मिला है तो सिंपली से आप इस पर क्लिक करना। इस पर क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपको सबसे ऊपर ही दिख रहा है क्लियर ब्राउजिंग डाटा, तो सिंपली से आप इस पर क्लिक कर लेना एंड यहाँ से देखते हो यहाँ पे लास्ट आवर लिखा हुआ है तो इसे आप कस्टमाइज कर सकते हो अपने ढंग से। तो सेम यहाँ पे आप कितना दिन लास्ट वन आवर का करना चाहते हो, लास्ट 24 आवर 7 डे, तो अपने अकॉर्डिंग आप यहाँ पे कर सकते हो। अगर ऑल टाइम का भी हमेशा का भी करना चाहते हो तो यहाँ पे आपको ऑल टाइम का भी ऑप्शन देखने को मिल रहा है। तो मैं सिंपली से यहाँ पे लास्ट आवर पर क्लिक करता हूँ एंड नीचे आपको दिख रहा है ब्लू कलर में क्लियर डाटा, तो सिंपली से आप इस पर क्लिक कर देना। उसके बाद फिर से यहाँ पे आपको पूछेगा तो यहाँ पर भी आप सिंपली से इसे भी क्लियर कर देना। क्लियर करने का ऑटोमेटिकली जो भी लास्ट एक आवर का मेरा डाटा था वो डिलीट हो चुका है। एंड अगर आप परमानेंटली करना चाहते हो तो उससे हम क्लियर ब्राउजर करोगे एंड यहाँ पे लास्ट आवर को छोड़ के यहाँ पे ऑल टाइम आप सेलेक्ट करोगे एंड नीचे आपको क्लियर बटन दिख रहा है तो सिंपली से क्लियर डाटा आप क्लिक करके अपना जो भी डाटा है आपका पूरा टोटली अच्छी तरह से आपका हिस्ट्री डिलीट हो चुका है। तो अब आपको कोई प्रॉब्लम की बात नहीं, आप जो कुछ भी देखो कहीं पर भी आपने सर्च किया है कुछ भी किया है अब आपको कुछ भी देखने को नहीं मिलेगा। तो आपका यहाँ पे टोटली से आपका जो भी परमानेंटली डाटा डिलीट हो चुका है आपको कोई प्रॉब्लम टेंशन की अब बात नहीं है। सो दोस्तों अगर अभी तक वीडियो में बने हुए तो मैं गारंटी दे सकता हूँ आप अब बच गए हो, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली है। बट दोस्तों जो चले गए उनको तो दोस्तों बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम्स आने वाली है। सो दोस्तों आई होप कि आपको वीडियो पसंद है वीडियो को लाइक कर देना एंड साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करके आप बेल आइकन को प्रेस कर देना। तो दोस्तों अगर आपके मन में कोई और सवाल है तो नीचे कमेंट बॉक्स में आप कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हो एंड डेफिनेटली मैं उसका सॉल्यूशन आपके सामने लेके आऊँगा। तो दोस्तों तब तक के लिए जय हिंद, इस तरह के वीडियो के साथ मिलता हूँ नेक्स्ट टाइम।